यस नहीं बस बस इतने ही। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सब? तो आज देख रहे हैं मेरे बाल और हंस रहे होंगे, और आज इसका अंत होने का टाइम आ चुका है। और ये देखिए घर के की गन दिया बार्बर। हाँ, घर का बार्बर। तो ये देखिए बार्बर का हमने पूरा सलून बना दिया है। मिरर सामने है, नीचे भी हमने। चलो हो जाओ शुरू। यस गए 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 बेचारे। अच्छा बड़ी घट लाए ना। मैं देखा माड़ा घट रही मारे खरे। जे कवे कि नहीं बस बस इत्थे ही हुण की फायदा है। एक सराहना भर लेना चाहिए मेरे रादा। थले वाल निकले वधिया आवे बेचारे जिहड़े नवे आउंदे ही ओह सिल्की सिल्की जे। आ की बन गया ये तो कैप तो नहीं पाई तुहाडा होना। देखिए नहीं पागल जे कहीं। चलो हम तो सियाल टोपी पा छे चेर कि नंबर है ये सेटिंग जी है ना हो सकती ना बाल वंगे वंगे जो है ना अपना। गजनी आया गजनी 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 कट बना रहा ये तो पक्के सही बन गई था। वॉश करके बस पत्थरे कटेगा कि नहीं। पत्थरे लगन दे मेनू ना ना बिल्कुल पत्थरे पहली बारी निकल नहीं कर लगे सही है। माड़ा जा पानी ला के पानी ला ਨਾ ਪਾ ਬਣਾਉਣੇ ਪਏ ਆ ਸਾਈਡਸ ਵਧੀਆ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੀ ਨਾ ਹੈ ਵਧੀਆ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ ਪੂਰਾ ਆਪਾਂ ਜਾ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਹੀ ਕੱਟੇ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ। ਸਹੀ ਯਾਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਣ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੁਣ ਕੇ ਬੰਦ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਲੋਣ ਅਜੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜੈਕ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਬਾਰਬਰ ਨੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ जे कने कटिंग करवानी कंटैक्ट नंबर तुम दे दांगे। फ्रीज कटिंग तने ते पर परीक्षण कीता जा सकदा है। ट्रेनिंग है जा सीखी जाएगी पर तने ते क्या। ठीक है अच्छा आ भी चीज बना ले। तो
गाइस मैं नहा कर आ चुका हूँ, मेरे आप बाल देख सकते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, खाली खाली सा इतना बार ऊपर से निकला, इतना गुच्छा हो गया था मेरे बालों का। तो मुझे कहना है कि मेरी इंस्टाग्राम आईडी फॉलो करो, जो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, और अब हम रिएक्शन देखेंगे। अगर किसी ने रिएक्शन दिया तो जैसे गुरजाप है मेरे घर पे, मेरा कज़न, उसका रिएक्शन लेंगे। अगर वो आ गया हो तो आई थिंक वो आ चुका है, और हम जाते हैं देखते हैं, शायद, पक्का नहीं पता, शायद आ चुका होगा। चलो आ जाओ। हाँ हाँ, रिएक्शन दे मेरे बालों से ठीक है, पता नहीं मिक्स या ठीक ही है फिर भी पदरे काटते हैं ठीक है यार। कब आए? कैसे लग रहे हैं मेरे बाल? तो उस दिन मैं पूरा शूट नहीं कर पाया व्लॉग, क्योंकि वो सिर्फ 5 मिनट का बना था। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा लंबा कर दूँ व्लॉग, ताकि आपको, आप हमेशा कहते हो ना कि व्लॉग बड़ा हो आपका, तो इसलिए मैंने किसे स्टार्ट अप कर दिया है। काफ़ी दिनों बाद अब थोड़े थोड़े बड़े हो गए हैं बाल, तो मुझे हेयर स्टाइल अच्छा है, लेकिन बताऊँ अच्छी बात क्या है कि कंफर्टेबल बहुत है, लाइक कॉम नहीं करना पड़ते बाल, और ऐसे जहाँ पर मर्जी उठ के चल जाता हूँ, तो जी अच्छा लग रहा है बहुत क्योंकि जैसे बिजी लाइफ है तो उसके लिए ये हेयर स्टाइल परफेक्ट है। और मुझे काफ़ी लोगों के कमेंट्स आए थे कि आपका हेयर स्टाइल अच्छा लग रहा है, और कई लोगों ने बोला कि नहीं अच्छा लग रहा, लेकिन हाँ अच्छा लग रहा भी होगा, ठीक है, थैंक यू। अगर नहीं लग रहा तो डोंट वरी, मेरे बाल बड़े होंगे और मैं अब फिर से बढ़ाऊँगा अपने बाल, और सुंदर सुंदर बाल रखूँगा अपने नेचुरल। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिन्होंने नहीं किया बेल आइकन को प्रेस कर दो, तो जब घंटी होती ना उसको दबा दो तो गाइस आगे के आने वाले व्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, क्योंकि अभी मैंने जो पुराना स्टॉक है मेरे मोबाइल में वो निकाल रहा हूँ। तो ये व्लॉग को सपोर्ट करना, लाइक शेयर कमेंट करना जितना हो सके। और पहले मेरे बाल तो घोंसला बने हुए थे, और अब अच्छे हैं, आपने देखा होगा क्या हाल हो गया था मेरे बालों का। तो फाइनली मुझे रिलीफ मिला उन बालों से, और अब मैं थोड़ा अच्छा फील कर रहा हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि आने वाले ब्लॉग्स कैसे होंगे, वो होंगे, मैंने अपना घर चेंज कर दिया है, मैं अपनी जगह से और कहीं चला गया हूँ। लाइक पहले मैं ब्रम्पटन में था, लेकिन अब मैं जहाँ गया हूँ वो आपको नहीं बताऊँगा, आपको बाद में पता चलेगा अगले ब्लॉग में। और कई ब्लॉग्स मेरा होम टूर करवाऊंगा नए घर का, जहाँ पर मैं अभी बैठा हुआ हूँ। तो और भी काफ़ी अच्छे ब्लॉग्स आएंगे, अभी मैं क्लासमेट्स के साथ रह रहा हूँ, और बाकी का बाद में बताऊँगा आपको, अभी बताई जा रहा मैं। तो और बताओ गाइस क्या चल रहा है कहाँ कहाँ से देख रहे हो आप? इंडिया से हो तो मुझे इंडिया जाने का मन कर रहा है, लेकिन अभी तो मुझे 1 मंथ भी नहीं हुआ वापस आए को, नहीं जा सकता अभी, नेक्स्ट ईयर पॉसिबल होगा शायद, वो भी पक्का नहीं पता मुझे। लेकिन यहाँ पर रहना यार बहुत ही ज़्यादा टफ है, और जहाँ पर मैं रह रहा हूँ यहाँ पर तो काम भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर फ्री हूँ मैं सारा दिन, लेकिन फिर भी नहीं दिल लगता मेरा, क्योंकि मुझे याद आती है मेरे पेरेंट्स की, मेरी फैमिली की, लाइक सभी की, मेरे फ्रेंड्स, मेरी रौनक राजू, ऑब्वियसली राजू के साथ बात नहीं हुई, हाँ मम्मा आज नहीं हुई, कल भी नहीं हुई, परसों हुई थी राजू के साथ बात, वो भी कर लेती है रोज़ कॉल मेरे को, और अच्छा लग जाता है जब बात करता हूँ तो दिल को सुकून मिल जाता है। और गाइस मैं एक व्लॉग बनाऊँगा जिसमें बताऊँगा कि मैं कनाडा किस बेस पे आया हूँ, और मैं जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे, मैं जो मेरे माइंड में है आपके रिप्लाई करने हैं, वो मैं उस व्लॉग में करूँगा आपके सभी। क्योंकि अब बस व्लॉग आएंगे, तब पहले मेरा टाइम नहीं लग रहा था ब्रम्पटन में, लेकिन अब मैं फ्री हूँ तो मैं व्लॉग बनाने पे ही हूँ। इंडिया से भी आएंगे व्लॉग्स और जहाँ से भी, तो बस ऐसे प्यार देते रहो हमें और हमारे व्लॉग्स को, हमें कभी छोड़ना मत हम तो आपको देखो अभी भी नहीं छोड़ रहे, चाहे हम, मैं और राजू दूर दूर बैठे हैं सास समुंदर पार बस ऐसे आपके प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और बस यही कहना चाहता हूँ, खुश रहो आप सब। और जो मेरी मम्मा से बात हुई थी एक दिन, उन्होंने बोला कि मुझे कॉल्स आती हैं, क्योंकि नंबर मम्मा का वहाँ वायरल हो चुका है फॉलोअर्स के बीच, जो हमारे फैंस हैं जो हमें इतना प्यार करते हैं, और वो कॉल करते हैं मम्मा को, तो मम्मा उनके साथ बातें करने लग जाते हैं। क्योंकि आपने मेरी फैमिली देखी है, बहुत अच्छे दिल की है सभी मेरी फैमिली,
और जब कॉल करते हैं लोग बहुत दुआएं देते हैं मेरे को और मुझे बेस्ट विशेस देते हैं। सो थैंक यू सो मच जिन्होंने मुझे कॉल की, और कईयों से तो मैंने काफ़ी लोगों से बात भी की थी जब मैं इंडिया में था, तो अच्छा लगता है इतना प्यार मिलता है। और कईयों की तो कई बोलते हैं हमारी हैबिट बनी हुई है आपकी वीडियोस देखने की, तो उसी हैबिट की वजह से हम ब्लॉगिंग करते हैं। और ये हैबिट कभी छोड़ना मत आप अपनी, और जो इतना मतलब इतनी दुआएं देते हैं, इतनी दुआएं कि बहुत खुशी मिलती है कि बस यही चाहिए था। तो अभी मैं धीरे धीरे बात कर रहा हूँ क्योंकि सभी सोए पड़े हुए हैं और मैंने व्लॉग डालना है क्योंकि अभी यहाँ पर रात है और आपके दिन होगा, तो मैं अभी यह व्लॉग डालने जा रहा हूँ बस आपके लिए जो कि आप देख रहे हो अभी। तो और चैनल को सब्सक्राइब करो जैसे मैंने आपको बोला, और पुराने व्लॉग जरूर देखो जो आप नहीं देखे, और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलना। बस यही कुछ है और मिलेंगे आपसे अब कल वाले व्लॉग में। मुझे भी नहीं पता कल का व्लॉग क्या होगा, लेकिन हाँ हर रोज़ हम कोशिश कर रहे हैं आप तक व्लॉग पहुंचाने की। सो गाइस बाय बाय, टेक केयर, लव यू, और अपना ध्यान रखो, और जल्दी मिलेंगे आपसे। एक साल बस वेट कर लो इंडिया जाके, हम लोग बोलते हैं ना एंड करा देंगे अपना। तो जो मेरे जो पंजाबी बोलते हैं उनको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा फॉलोअर्स हिंदी हैं, जैसे कि मेरे सभी फ्रेंड्स और सभी बोलते हैं कि तुम हिंदी बोलते हो, पंजाबी बोला करो, लेकिन मुझे हिंदी बोलनी पड़ती है। और हिंदी बोलने कोई बुराई भी नहीं है क्योंकि ये हमारी वो बोलते हैं नेशनल लैंग्वेज है, तो बस आप पंजाबी तो लोग समझ जाएंगे हिंदी, लेकिन जो हिंदी बोलते हैं पंजाबी समझ थोड़ी मुश्किल होती है उनके लिए। तो ऐसे मेरी हिंदी भी थोड़ी अच्छी हो रही है मेरी इम्प्रूवमेंट हो रही है डे बाय डे, राजू की भी हो रही है ना, आपने देखा होगा। तो ठीक है गाइस बाय बाय, अच्छा लगा, ऐसा लग रहा है मैं जैसे आपसे बातें कर रहा हूँ फेस टू फेस, और 6 मिनट निकल के मैं अकेला बोली जा रहा हूँ। तो ठीक है बाय बाय करने का मन तो नहीं कर रहा, लेकिन हाँ कल आऊँगा, कल फिर आपसे मिलूँगा और ब्लॉग बनाऊँगा। लव यू ऑल, बाय बाय।